चोरी करने के इरादे से रविवार आधी रात को दो नाबालिग युवक सोलन के समीप मुख्य मार्केट देउघाट में स्थित श्री बाबा बालकनाथ एवं शनि मंदिर के अंदर घुसे, लेकिन ये दोनों चोरी कर पाते उससे पहले ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को धर दबोचा। चोरी करने के इरादे से रविवार आधी रात को दो नाबालिग युवक सोलन के समीप मुख्य मार्केट देहू घाट में स्थित श्री बाबा बालकनाथ एवं शनि मंदिर के अंदर घुसे, जिसकी सूचना मंदिर के सामने फार्मा कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने फोन कर मंदिर के पुजारी को दी। पुजारी ने घटना की सूचना मंदिर कमेटी और पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। मौके पर पुलिस ने पाया कि दोनों नाबालिग युवक मंदिर के बाहर लगे कैंची गेट के ऊपर से चढ़कर मंदिर के अंदर पहुंचे हैं, जिन्होंने वहां पड़े त्रिशूल से मंदिर के गले को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उससे पहले ही पकड़े गए। मंदिर के पुजारी अनिल शर्मा और मंदिर कमेटी के प्रधान संजीव शर्मा ने गेट का ताला खोलकर इन्हें बाहर निकाला। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि चोरी के दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनसे पूछताछ की जा रही है। पिछली रात को हमारी इसमें सुकून चौकी में सूचना मिली थी कि कोई दो लड़के जो हैं, जो बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है यहाँ देवघाट में, वहाँ पे मंदिर में घुसे हैं। इस पे तुरंत पुलिस की टीम गई और इनको जो है वहीं पे डिटेन कर लिया गया पुलिस द्वारा। मंदिर के अंदर ही थे ये दोनों लड़के उस टाइम, और पता करने पर ये दोनों लड़के जो है नाबालिग पाए गए हैं। रहने वाले ये यहीं सोलन का है, एक जो है सिरमौर का है, और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है केस में चल रही है। 457 और 380 के तहत केस दर्ज किया गया है और इन लड़कों से पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।